लिरिक्स का जो एक सोच आया एक रोमांटिक मूड के ऊपर, एक आँखों से शुरू हो रहा है। एक दिन अगर मैं बैकड्रॉप का बात करूँ तो एक वीडियो में देख रहा था जिसमें आँखों के ऊपर काफ़ी नज़ाकत के साथ वो वीडियो चल रहा था, तो मुझे वहाँ से वो आइडिया आया कि आँखों से कुछ शुरू किया जाए। तो ये टाइटल जो लाइन है, अगर मैं बोलूँ इसका, आँखों की मधोशी से शुरू होता है, और इसमें पूरा एक रोमांटिक मूड दिया गया है ताकि और मैं इंद्राणी से आपको बाकी जानकारी मिलेगी कि वो गाने में रोमांटिक फील डाला गया है, और लिरिक्स का अगर पूरा फीलिंग अगर आप देखें, पूरा रोमांस के ऊपर ही है शुरू से लेकर आखिर तक। जो एक लड़का और लड़की में जो प्यार मोहब्बत का जो फीलिंग होता है, वो उसी चीज़ को बयां किया गया है। तो डायरेक्टर की तरफ से कोई ब्रीफ था आपको कि क्या चाहिए उनको एग्जैक्टली? डायरेक्टर का अगर नाम करें तो ना, म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे यासिन दरबार जी हैं, और उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये आइडिया हमें दिया, और जो गाइडेंस उनसे मिला है वो काबिले तारीफ है, और मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसके बारे में। कंपोज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है ही, बट मैं जब कंपोज कर रही थी तब कुछ सोच कर कर रही थी कि रोमांटिक वाला फील आ जाए, सामने वैलेंटाइंस डे है और उसके ऊपर कुछ काम किया जाए, तो मैंने वो सोच को लेकर मैंने कंपोज किया। एंड सेकंड जो गाना मैं हो चुका है वो डबिंग, तो मैं सोच कर गई कि बहुत इजी होगा, एंड पूरा चीज़ पूरा उलट गया कि पूरा फीलिंग्स में पूरा ध्यान देना पड़ा, एंड एक एक फील को पकड़ के, एक एक लब्स को पकड़ के पूरा गाना गाना पड़ा मुझे। एंड एक्टिंग के बारे में अगर बोलूँ तो हाँ, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है मेरे लिए अभी, तब भी सबका सपोर्ट मिल रहा है, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ जितना मैं अपने से दे सकूँ मैं दूंगी उतना ही। यासिन जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सीखा उनसे आपने? यासिन दरबार जी से काम करने का मतलब, वो तो मेरा एकदम लक है कि उनके साथ काम कर रही हूँ अभी। एंड सर बहुत अच्छे हैं, एंड बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि इस चीज़ को आप ठीक करो, इस चीज़ को आपको डालना पड़ेगा गाने में, इस फील को आपको डालना पड़ेगा गाने में, तो बहुत बारीकियाँ से बताते हैं वो कि क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, उसके साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और है, फेबुलस है मतलब। नाज, आप बताइए कि होल एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, और एज अ एसोसिएट डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सबसे पहले तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँगी कि रेड एसिड फिल्म प्रोडक्शन हाउस फाउंडर ऑफ रेड एस अजहर हुसैन सर एंड नाज काजी। तो 2021, जिसके नाम में ही किस है, तो हम अपने इस 2021 का फर्स्ट सॉन्ग शूट करने जा रहे हैं जो कि रोमांटिक है, और इस सॉन्ग में बहुत ही शिद्दत वाला इश्क है, और उतनी ही शिद्दत से हम इसे एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको देखकर और सुनकर बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो हमारी एक्टर है इस सॉन्ग के ज़रिए इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहे हैं, जिन्हें अजहर सर अपने रेड एसेट फिल्म के बैनर के ज़रिए लॉन्च कर रहे हैं, एज अ सिंगर भी एज अ एक्टर भी, और एज यूजुअल उन्हें एसोसिएट कर रही हूँ मैं, इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, और इस सॉन्ग को मैंने एज अ कॉन्सेप्ट राइटर भी किया है। ऑल्सो थोड़ा सा बताया कि बहुत ही जल्दी शूट भी शुरू होने वाला है गाने का, तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां होने वाली है? एक्चुअली मैं और डायरेक्टर अजहर हुसैन सर जो भी काम करते हैं एज अ पार्टनरशिप में ही करते हैं, तो सर सारी चीज़ें हमारी पार्टनरशिप में ही हो रही है, और वो क्या कर रहे हैं वो नहीं अभी फ़िलहाल बता सकते, लेकिन कैसा कर रहे हैं वो आप खुद बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह 14 फेब को। सर आपसे जानना चाहेंगे, गाने को कोरियोग्राफ किया है आपने, कैसी तैयारियां चल रही है, सिंगर भी है और जो एक्टर भी है, दोनों का जो मिक्सचर है, इंद्राणी जी एक्टिंग भी कर रही है सिंगिंग भी कर रही है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इंद्राणी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा करें? एक्सपीरियंस सिर्फ इनका, इंद्राणी जी का यही है कि अपनी तरफ से मेहनत कर रही हैं प्रॉपर, जितना इन्होंने गाने को गा के जितना गाने में जान लाई हैं तो उतना ही ये मेहनत भी कर रही हैं कि उस पे परफॉर्म भी कर सकें और अच्छे एक्सप्रेशन ला सकें, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बाकी गाना आएगा आप सब देख सकते हैं। और आपकी आपको क्या ब्रीफ दिया गया था डायरेक्टर साहब की तरफ से, और डायरेक्टर
डायरेक्टर सर की तरफ से मुझे ये रोमांटिक सॉन्ग है तो वैलेंटाइन डे भी आ रहा है तो इसको उस तरीके से प्रेजेंट करें कि हाँ कि लगे कि हाँ कि कुछ बात बनी है, तो गाने के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम चल रहा है। बाकी इसको पिक्चराइजेशन करेंगे उस तरीके से कि मज़ा आ जाए। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम शाहिद खान है, मैं इस प्रोडक्शन हाउस का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ और अजहर भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भाई की तरह हैं और इनके काम की तो जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और बहुत अच्छा नेचर है और कभी किसी काम के लिए किसी को कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। कुछ भी आप बोलोगे हाँ भाई होगा, हो जाएगा और करते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा और बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरी दुआ है अल्लाह से। अजहर भाई आपसे जानना चाहूँगा कि पूरी फिल्म की जो मतलब जो गाने की शूटिंग है बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है, आपकी तरफ से क्या तैयारियाँ है, कैसे मतलब टीम को लीड करने वाले हैं, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप है आप। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एक डायरेक्टर की होती है और डायरेक्टर होने के नाते मैं सबको एक दोस्त के नाते भी लोगों को ट्रीट करता हूँ कि आर्टिस्ट हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, कैमरामैन हो, ये सब मेरे दोस्त भी हैं और आप मीडिया वाले भी हैं, इन सबसे अच्छा रिलेशन है। शुरू से जब भी कोई काम करता हूँ लोग कवरेज करते हैं, अब हमें प्रमोट करते हैं, ये अच्छा लगता है और मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा सबसे पहले मीडिया का और मेरे प्रोडक्शन हाउस से। ये जो सॉन्ग बनने जा रहा है अभी शायद यही प्यार है, इस सॉन्ग को कंपोज और सिंगिंग किया है इंद्राणी गोस्वामी ने और उनके जो एक जोड़ी है, एक भाइयों की भाई बहनों की जोड़ी है, भाई होने के नाते भाई ने लिखा है कहानी लिरिक्स को और लिरिक्स लिखने में इनको जो भी वक्त लगा होगा पर बहुत ही प्यारा एक खूबसूरत सा उन्होंने लिरिक्स लिखा है। म्यूज़िक डायरेक्टर यासीन दरबार, यानी कि एक हमारा एक ड्रीम था उनके साथ में काम करना, इतनी बड़ी शख्सियत के साथ में काम करना कि इस्माइल दरबार और यासीन दरबार दोनों की जोड़ी, दोनों भाइयों की, उन्होंने पिक्चरें दी हम दिल दे चुके सनम, देवदास जैसे सुपरहिट फिल्म उन्होंने की है, उनका एक म्यूज़िक अगर हम अगर डायरेक्ट कर रहे हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करने में जो पूरा वक्त और मेहनत लगाया है, नास काजी जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन उन्होंने किया है और हमारे साथ ही साथ हमारी एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं और हमारे इस जो रेड एसिड फिल्म से हम लोग जो इसको रिलीज़ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी पार्टनर भी हैं साथ ही साथ। और सबसे बड़ी बात है आज हमारे बीच में जो सबसे बड़ी शख्सियत है वो है हमारी माँ जो इस मौके पे मौजूद हैं वो, और हम उनके साथ ही साथ मिलके इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं, शायद यही प्यार है इस गाने का। और इस गाने में जो लीड एक्टिंग कर रहे हैं वह सुफियान कपाड़िया, इनसे तो हर कोई वाकिफ़ है, नाम से ही वाकिफ़ है, पहचान से वाकिफ़ है। और इस गाने के अंदर में हमने जो दो कैरेक्टर लिए हैं जो मेल फीमेल, एक मेल लीड कर रहे हैं सुफियान कपाड़िया और सेकंड जो फीमेल लीड कर रही है वो इंद्राणी मुखर्जी गोस्वामी जी, जो कि खुद भी वो सिंगर भी है और वो एक्टर भी है इसके। तो मैं चाहूँगा कि हमारी टीम अच्छे से काम करे और जब ये गाना हमारा मार्केट में जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए तो आप प्लीज़ इसे प्रमोट करना, इसे देखना ज़रूर, शायद यही प्यार है। एक्चुअली क्या था कि लीड में जो जो सिंगिंग सिंगर ने जो गाना गाया था, जो मैंने सुना गाने को, जब मैंने सुना, सुनने के बाद जब मैं उनसे मिला तो उनकी खूबसूरती को देख के मैंने खुद बोला कि आप इस गाने में क्यों ना लीड करते हो करके, तो आप इस गाने में एक्टिंग भी करो और गाना भी करो। तो शायद अभी आज के डेट में म्यूजिक एल्बम्स का यही रह गया कि सोलो स्टार से ही ज़्यादा लोग मार्केट में ग्रोथ करता है, तो मैंने सोचा कि आप ही लीड करो उसके अंदर में। तो एज अ सिंगर, एज अ एक्टर, एज अ कंपोजर इंद्राणी गोस्वामी जी, तो मुझे लगा उसके अपोजिट में हम किसे रख सकते हैं, तो उसको अपोजिट में रखने के लिए फिर मैंने कहा सुफियान जी मेरे गाने में आप लीड कर रहे हैं और अचानक से इनको मैंने फ़ोन किया, आप मेरे लिए कर रहे हो। भाई ने कभी मेरे लिए कभी मुझे मना नहीं किया कभी किसी काम के लिए, इससे पहले इनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, रिस्पेक्ट वुमन एक फिल्म आई थी शॉर्ट फिल्म, इन्होंने प्रोड्यूस भी किया था, एज एन एक्टर काम भी किया था, उसमें अली खान जी भी थे साथ में, तो उनका आशीर्वाद प्यार हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है। और बस यही कहूँगा सुफियान भाई, थैंक यू सो मच हमेशा साथ देने के लिए। और अभी से पहले आपने देखा होगा कि नास काजी से आपने सवाल किया था कि प्रोडक्शन हाउस कितना काम कर रहा है, तो प्रोडक्शन हाउस अभी जो इस साल अभी हमारा दूसरा गाना ये बनने जा रहा है, पहले इससे पहले हमने गाना किया तुस्ता ने ख्वाब कोई, जी म्यूजिक से रिलीज़ किया था, उससे पहले हमने किया था शमारो से रिलीज़ किया था, अभी जो लास्ट हमने जो रिलीज़ किया अल्ट्रा म्यूजिक से रिलीज़ किया हमने, और आने वाले टाइम पे अभी बड़े बड़े चैनल के साथ भी हम जुड़ के काम कर ही रहे, होप ये गाना भी तीसरी जी या फिर अल्ट्रा में जाए करके, किसी एक में जरूर जाए, और बस आप लोगों की दुआ चाहता हूँ।
सुफियान आपसे जानना चाहूँगा, आपने एज एन एक्टर कितनी प्रिपरेशन की है इस पर्टिकुलर गाने के लिए? बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से इसके पहले मैंने और दो तीन गाने किए बट इसके लिए थोड़ी ज़्यादा किए। इसके लिए थोड़ी ज़्यादा इसलिए किए क्योंकि अज़र भाई ने मुझे पिच किया है इस गाने के लिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि कोविड का जो इतना बड़ा ब्रेक हम सबको मिला, उसके बाद ये मेरा पहला गाना या मेरा पहला काम मैं कहूँगा इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि मैं मेरे कुछ और बिजनेसेस भी हैं जिसमें मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। सो ये कोविड के बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। और अज़र भाई ने जैसा कहा, मैं इनको मना नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे भाई का कॉल आया कि भाई आपने गाना मेरा करना है डेफिनेटली, और हम इसे इसी मंथ शूट कर रहे हैं, तो बड़े शॉर्ट नोटिस में शूट कर रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आप जल्दी से शुरू कर दो। सो अभी हमारी रिहर्सल्स वगैरह चल रही है, अंकित हमारे बहुत ही अच्छे बहुत टैलेंटेड हैं और ये कोरियोग्राफर है हमारे, और ये हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इंद्राणी ने बड़ा खूबसूरत सा ये गाना गाया है, एंड मैं समझता हूँ एक बहुत ही कम उम्र में एक बहुत ही अच्छा टैलेंट इंडस्ट्री को मिलने वाला है। एंड डेफिनेटली अज़र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतने खूबसूरत हैं, सिंगर हैं, डेफिनेटली इनको अपना स्क्रीन पे अपना फेस भी ट्राई करना चाहिए, और इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा आपको एक गाना मिलेगा। और बस आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं यही दुआ करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस गाने को बहुत सारा प्यार दें और बहुत सारे लाइक करें और हमारे काम को सराहें, हमारे काम को आगे बढ़ाएं, ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे काम लाते रहें, आपको आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे एज ए डीओपी, आपने क्या तैयारियाँ की है इस गाने के? एक्चुअली मेरा इस सॉन्ग में जो पार्ट रहा है बहुत कम टाइम के लिए रहा है, मुझे अभी भी याद है कि मैं दो दिन पहले पुणे में शूट कर रहा था, सडनली अजय भाई का कॉल आया मेरे पास और मैं रिसीव नहीं कर पाया, रिटर्न कॉल किया तो मुझे बोलते हैं अजय कल आके मिलो और ये करना है, डेफिनेटली करना है, अगर करना है तो मिला। मिलने के बाद कोई टाइम नहीं, सीधा बैठे बाइक पर और सीधा लोकेशन। इस सॉन्ग के लिए हमने ऑलमोस्ट अप टू 20 लोकेशंस देखी, बट कोई भी अकॉर्डिंग टू सॉन्ग कुछ भी हमें माइंड में नहीं आया क्या करें क्या कौन सा। फिर कल भी लोकेशंस पे गए, फाइनल कहीं हुआ है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बाय गॉड की बहुत अच्छा सूट निकलेगा, इसका आउटपुट निकलेगा और जल्दी समझ आएगा। थैंक यू सो मच अज़र भाई को और आप बाकी सारी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जैसे कि अज़र भाई की वालदा यहाँ पे बैठी हुई हैं और हम सब की वो माँ समान हैं और माँ की दुआ बहुत ज़रूरी है सबके लिए। बस टीम को मैं ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि काम ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, काम। और ये काम को शायद देखने के बाद कुछ मैं भी सुफियान भाई के साथ में हूँ और सुफियान भाई जिस तरीके को मेरे को बोलेंगे तो थोड़ा मेरा कुछ इंटरेस्ट है आगे प्रोजेक्ट बनाने का करने का, सुफियान भाई के हाथ में वो चीज़। टीम वर्क के हिसाब से मैं उस चीज़ को बाद में शायद यही प्यार है ये हमारा गाना आ रहा है, शायद यही प्यार है। हाँ उस गाने को और बाकी इस मूवी के सारे करेक्टर को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सब अपने अपने काम को अंजाम दो अच्छे से। देखिए तुझसा नहीं शायद यही प्यार है, तो शायद यही प्यार है ये बहुत ही खूबसूरत सा एक टाइटल हमने चुन के निकाला है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा फंबल इसलिए हो गया क्योंकि हम 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली हम टाइटल को लेके काफ़ी परेशान थे और बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद काफ़ी रात जागने के बाद अज़र भाई ने ये जो टाइटल निकाला है, तो डेफिनेटली बड़ी मेहनत की है हम दोनों ने और इन्होंने थोड़ी ज़्यादा की है, मैंने बहुत कम की है, बट नहीं बहुत ज़्यादा हमने सब ने मेहनत की है। देखिए एक लाइटमैन से लेकर के एक आर्टिस्ट तक, एक डायरेक्टर तक, हर कोई अपना 100% हर फिल्म में, हर गाने में और हर प्रोजेक्ट में डालता है। बाकी ऑडियंस के ऊपर है कि वो ऑडियंस किस चीज़ को कितना पसंद करता है। कई बार ये ऐसा होता है कि हम बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत ही आसानी से कुछ शूट करके निकल जाते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं स्क्रीन पे उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट वो बहुत अच्छा दिखता है। और कई बार हम पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत कर देते हैं बट वो चीज़ उतनी उभर के नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑडियंस के हाथ में, हम अपना काम करके निकल जाएंगे, बाकी आगे उसे किस कितना प्यार देना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, वो सारा आपके हाथ में है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारे काम को सराहें और हमने बड़ी मेहनत की है, उसे प्यार दें, खूब सारा प्यार दें और हमें दुआएं दें कि ये हमारी अभी शुरुआत है इंडस्ट्री में और इसी तरह हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाते रहें और आपको इसी तरह एंटरटेन करें और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं और हमने प्लान कर रखी हुई है, अज़र भाई ने, मैंने, इंद्राणी ने,
जैसे अभी राजू भाई आके कह के गए। सो काफ़ी सारी और भी प्रोजेक्ट्स हम ला रहे हैं आप सबके लिए, लेकिन आपका प्यार जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो आपका प्यार हम पर बनाए रखें और इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दें, शायद यही प्यार है। ठीक है, इसके डायरेक्टर अज़हर हुसैन साहब हैं और इसे हमारे नाज जी जो है प्रोड्यूस कर रही हैं, और मैं सूफियान कपाड़िया और इंद्रानी गोस्वामी जी हम इसमें स्टारकास्ट हैं और पूरी मेहनत है, बस आप सबका प्यार चाहिए। थैंक यू। इंद्रानी जी, आप कितने नर्वस, कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि आपका ये डेब्यू है? एक्साइटेड हूँ 100%, नर्वस हूँ 200%, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो, बिकॉज इतने बड़े बड़े स्टार के साथ काम करना थोड़ा सा नर्वसनेस आ ही जाता है। एंड मैं गाने के लिए और बोलना चाहती हूँ, गाने को जो प्रोग्रामिंग किया है अनीश आली साबरी जी ने, बहुत अच्छे तरीके से किया है। मतलब एक जो उभर के आया, मैं कंपोज कर चुकी हूँ, लेकिन उसको उभरने का जो काम है वो अनीश अली साबरी जी ने किया। एंड ऑल्सो अज़हर भाई को, अज़हर हुसैन जी को मेरा, मतलब मैं क्या बोलूँ, थैंक्स बोलूँ वो भी छोटा पड़ जाएगा। नाज मैम बहुत सपोर्टिव है बहुत, और एक्टर भाई भी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है। एंड भाई बोल रहा हूँ फिर परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी मेरी। नहीं, सुफियान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुफियान ठीक है, सुफियान हाँ, सुफियान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड मेरे से बहुत सीनियर भी है एक्टिंग में, तो मुझे बहुत कुछ सिखा भी रहा है कि ऐसे ऐसे करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसे उभर कर आएगा। तो मैं बहुत छोटी पड़ गई इसमें, तब भी मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैं दे सकूँ। अज़हर भाई का मतलब शुक्रिया अदा करूँ तो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन सबको बहुत बहुत थैंक्स। और अब लोग देखना ये गाने को, बहुत मज़ा आएगा, बहुत रोमांटिक है। वैलेंटाइंस डे में ये गाना, मतलब आप लोगों को लगेगा कि हाँ सच में एक वैलेंटाइंस डे का एक मज़ा आएगा। तो ज़रूर प्यार देना, बहुत मोहब्बत देना इस गाने को, और ज़रा सी और आप लोगों के इस हाथ। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटी पड़ जा रही हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं रिहर्सल पे पहुँच रहा हूँ, मैं एक आध घंटा दो घंटा रिहर्सल अगर कर रहा हूँ, तो ये 4-5 घंटे बैठ के रिहर्सल कर रही है, और शी इज़ मेकिंग श्योर के वो हर ग्राफ को टच करें, और शी इज़ मेकिंग श्योर के वो कहीं छोटी ना पड़े। और सबसे ज़रूरी एक बात है एक आर्टिस्ट के लिए कि वो हमेशा सीखता रहता है, चाहे वो अमित जी हो, रणवीर सिंह हो, या फिर एक कोई नया आर्टिस्ट जो अभी अभी शुरुआत कर रहा है। बहुत ज़रूरी होता है, आप किसी भी स्टेज पे जाके आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मुझे सब आता है। नो, देर इज़ अ नेवर एंडिंग, ये प्रोसेस जो है हमारा सीखने का जो प्रोसेस है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और इनमें ये बहुत ही खूबी है कि ये सीखने के लिए रेडी है। तो जो इंसान सीखने के लिए रेडी होता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता है डेफिनेटली। सो इनकी बहुत मेहनत है, तो जैसा मैंने कहा और जैसे ये भी कह रही हैं कि हमारी मेहनत को आप सराहेंगे और इसे खूब सारा प्यार देंगे, ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं, तो इस मनोकामनाओं को आप ज़रूर पूरा कीजिए। इंद्रानी, इतनी सारी तारीफ हो चुकी है, अगर गाने की दो लाइनें गुनगुना दें आप हमारी ऑडियंस के लिए? वाह, हाँ वो तो ज़रूर गाना पड़ेगा। आँखों की मदहोशी क्यों चढ़ गई, नजरें बहकने लगी, धड़कन की बेताबी क्यों बढ़ गई, सांसें महकने लगी, ये कैसा को मिलती सजा है, हर पल तेरा चेहरा दीदार है, शायद यही प्यार है। वाओ, क्या बात है। जैसे मैंने एक्ट्रेस से भी पूछा था, एज अ डायरेक्टर कितने नर्वस है आप, अगर उस बारे में कुछ? मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, एकदम इन्जॉय करता हूँ। पर इस सॉन्ग को शूट करने के लिए, तैयारी करने के लिए, नर्वस वो होते हैं जिन्हें सच में काम के बारे में नहीं पता, नॉलेज नहीं होता, और उन्हें डर होता है कि वो रिज़ल्ट कैसा आएगा। पर मैं रिज़ल्ट से बिल्कुल बेफिक्र हूँ कि रिज़ल्ट जैसा भी आएगा मुझे मालूम बहुत अच्छा आएगा। और इस सॉन्ग को जब ये बन रहा था, ऑडियो कम्प्लीट, रिकॉर्डिंग चालू थी, इसकी प्रोग्रामिंग चालू थी, उस टाइम पर भी हमारी टीम इन्जॉय कर रही थी, और हम अभी रिहर्सल हमारा चालू है, देन अभी शूट है हमारा, तो पूरी टीम हमारी ऐसी है कि वेल नॉलेजेबल टीम है, और उसको हम लोग इन्जॉय करते हैं, पूरा शूट करेंगे और वैसा ही रिलीज़ होगा,
आप लोग का प्यार मिलेगा। सबसे पहले तो यही डिस्कशन होती है, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेकर घबरा जाती हूँ, बट पिछले 3 सॉन्ग हमने साथ किए हैं, जिसे डायरेक्ट किया है मिस्टर अजहर हुसैन सर ने, और एज यूजुअल मैंने उन्हें एसोसिएट किया है, इस बार भी मैं उन्हें एसोसिएट कर रही हूँ, और हर बार मैंने उनसे यही सीखा है कि फ्लोर पर कैसे काम कैसे किया जाता है। इतने टीम्स को लेकर कैप्टन ऑफ द शिप सिर्फ एक टैग होता है, तो उसको वो टैग का परफॉर्मेंस क्या होता है, किस तरीके से सबको हैंडल करना होता है, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी अनवांटेड सिचुएशन कभी भी कहीं भी सेट पर आ जाती है, और उस सिचुएशन को कैसे फेस करना होता है, और अपना काम जो हमने सोचा है पेपर से, दिमाग से पेपर पर और पेपर से स्क्रीन तक लाने का जो सफ़र है, उसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उस प्रॉब्लम से निकल कर स्क्रीन तक वो चीज़ कैसे लेकर जाए, वो मैंने सर से सीखा है, और मैं इनके लिए हमेशा इनसे इनका शुक्रगुजार करती हूँ। और ये जो सॉन्ग है शायद यही प्यार है, कि हमारी कंपनी रेड एसेट फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर से बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, जिसके लिए आप सबका प्यार और साथ बना रहे। और इस गाने को शूट करने के लिए हम बहुत ही शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन शिद्दत जितनी भी हो, अगर दुआएं ना हो तो मंजिल नहीं मिलती। ऑफ कोर्स और हमारी माँ की दुआएं हमेशा हमारे। इसमें कैसा है, इसमें जो लोगों के नाम, जो एक पोस्टर जो होता है, उस पोस्टर पे जब किसी का नाम लिखा होता है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी लोगों को बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। मुंबई के बारे में हर कोई वाकिफ़ है कि यहाँ पे आना, एक अपनी जगह बनाना और अपना जगह के साथ साथ अपना नाम बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज जो इस पोस्टर में या फिर आने वाले आप पोस्टर्स में देखते हैं कि लोगों के नाम होते लिखे हुए कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, तो वो वहाँ पर मतलब कि एक लोगों की डिजर्विंग होती है कि आप वो डिजर्व कर रहे हो, उतनी मेहनत है, टैलेंट है आपका, तो इसलिए पोस्टर पर सबके नाम होते हैं वहाँ पर लिखे हुए। सबसे मेन पॉइंट यही है, जैसे कि हमारी मीडिया की बात करें, बॉलीवुड अड्डा, सीजन मीडिया और भी जो मीडियाज हमारे पास में हैं, और अपनी यहाँ पे जो टीम की बात हम लोग करें, टीम हमारी सबसे जो मेन पिलर जो हमारी टीम है, इसके अंदर में कॉन्सेप्ट है हमारा, स्टोरी है हमारा, गाना है हमारा, सिंगिंग है, लिरिक्स है, म्यूजिक्स है, और इसको पूरे बनाने के लिए टेक्निकल टीम जो हमारी है, कोरियोग्राफर अंकित शर्मा, अजय पाल जो हमारे DOP हैं, शाहिद खान हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, और नाज मैम का जवाब ही नहीं। आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गाने का शूट कहां-कहां पे होने वाला है। ये पूरा लोकेशन मुंबई का रहेगा, पर हम लोग इस गाने का कॉन्सेप्ट जो नाज मैम ने बनाया है, थॉट मतलब सुन के मैं थोड़ा सा मुझे लगा अजीब सा लगा कि ये 200 साल मतलब आज से सन 2021 से लेके 200 साल पीछे हम जा रहे हैं गाने को लेकर, तो एपिक कॉन्सेप्ट है पूरा हमारा वो, और कॉस्ट्यूम उसके कॉस्ट्यूम, उसका मेकअप, उसका स्टाइल पूरा डिज़ाइन मैम ने पूरा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तो मैम सेट पे क्या होता है कि मैम पीछे से आके बोलती हैं सर ये सीन अभी शूट करना बाकी रह गया है, और ठीक है सेट लगा देते हैं, सेटअप कर देते हैं पूरा, तो इनका बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे सहयोग मिलता है शुरू से सेट पे, और इससे पहले मेरे और भी एसोसिएट डायरेक्टर्स और असिस्टेंट हुआ करते थे शूट के दौरान, तो उनसे जितनी मदद मुझे आज तक मिल नहीं पाई, उससे लगभग काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा मदद इनसे मिलता है मुझे, तो मैंने कहा आप ही मेरे साथ ज़िंदगी भर काम करते रहिए, जुड़े रहिए, और फिर कहीं ना कहीं इनका हमारे प्रोडक्शन बैनर में अगर कुछ बजट हिल जाता है तो पूरा पूरा सपोर्ट रहता है, पूरा पार्टनरशिप के तौर पे अच्छा काम करती है हमारे साथ में। ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं अभी रुकिए अभी थैंक यू सो मच नहीं, अब हमारे बीच में हमारी मतलब बॉस, हमारी एक्चुअल जो बॉस है हमारी माँ हमारे बीच में आज मौजूद है, तो हमने कहा उनको भी लोगों से इंट्रोड्यूस कर देते, उनका क्या कहना है इस बारे में जरा उनसे सुनेंगे। बस मेरी शुभकामना, मेरी शिद्दत से यही दुआ है कि मेरे बच्चे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचे। मेरे बच्चों ने बहुत ही शिद्दत से ये मुकाम हासिल किया है, बहुत मेहनत की है, और मेरी दुआ और आप सबकी दुआ इनके साथ रहे, तो इंशाल्लाह ये कामयाबी और तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचे। बेशक इंशाल्लाह। थैंक यू।